अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। तो आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं चिकन में क्या कर रही हूँ, मतलब कि किचन में क्या कर रही हूँ। तो किचन में मैं कुछ नहीं कर रही, बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए बना रही थी। और मैं अभी जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए स्कूल से, तो स्कूल से अभी लेकर आते हैं बच्चों को। तो चलिए चलते हैं। बालू, ट्रेन हो रही है, इधर देखें, इधर देखें ना, चलते हैं। आ जाए आ जाए, आ जाए। तो मैं आ गई हूँ वापस बच्चों को लेकर। तो मैं बना रही हूँ आज खाने में क्या, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो थोड़ी सी मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वहाँ से स्कूल से तो ठीक आया, लेकिन अभी घर आया तो थोड़ा सा जो है ना, कह रहा है कि मुझे साइड पे पेन हो रही है। तो अभी देखते हैं, अल्लाह पाक सबके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे। तो अभी बनाते हैं खाना। और खाने में आज क्या बना रही हूँ जी, मैं बना रही हूँ, दिखाती हूँ अभी आज मैंने खाने में क्या बनाया है, तो वो मैं आपको दस्ती हूँ। तो मैंने बनाए हैं जी अरवी गोश्त। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, यम्मी यम्मी से जो है ना। तो किस किस को पसंद है अरवी गोश्त मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ए बोटियाँ भी पई हुई हैं, तो ऐ इधर जो है ना ये स्विमिंग करने पे अरवी जोड़ा ना स्विमिंग करनी पी, तो ऐ देखो कितने सोने लगने पे मज़ेदार किस्म ने। तो बस मिकी बहुत सख्त भूख लगी, मुझे बहुत शदीद भूख लगी है। तो बस मैं अभी बनाती हूँ रोटी, और बच्चों को भी भूख लगी है और मेरे हस्बैंड को भी भूख लगी है। तो बनाते हैं रोटी और खाते हैं खाना। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी तैयार हुए हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को भी पसंद है या नहीं है। मुझे तो अरवियाँ बहुत पसंद हैं, तो अरवियाँ कह लें या अरवियाँ कह लें, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखें, तो चलिए बनाते हैं रोटी और खाते हैं खाना जी। तो रात के हो गए हैं तकरीबन 9:30 का टाइम हो गया है। तो हम लोग हॉस्पिटल आ गए थे क्योंकि छोटे की जो है ना वो तबीयत ठीक नहीं है। तो हमें तकरीबन आधा घंटा हो गया यहाँ पे आए हुए। तो बस वेट कर कर के तकरीबन हमारा टाइम आया है 12 बजे जो है ना, टाइम उन्होंने दिया है। तो ये अभी बस उसका ब्लड ले रहे हैं। पहले जो है ना बाहर उन्होंने चेक किया है, तो जब उन्होंने देखा है कि हाँ वाकई ही कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, तो फिर उन्होंने हमें जो है ना अंदर भेजा। और अंदर जाके अब डॉक्टर्स जो है ना वो चेक उन लोगों ने किया है, और ये बस ब्लड वगैरह लिए हैं। तो अल्लाह करे कि रिपोर्ट जो है ना वो सही आए। तो बस अभी हम वेट कर रहे हैं रिपोर्ट का। तो हमें थोड़ा सा ये डर लग गया था कि इसको कहीं अपेंडिक्स वगैरह का दर्द ना हो, क्योंकि राइट साइड पर बता रहा था उसको वोमिट भी बहुत ज़्यादा हो रही थी साथ ही। तो बस इस वजह से थोड़ा सा हम लोग डर गए थे। तो ये देखें इस रूम में अभी इसको रखा है उन्होंने। तो अभी ब्लड टेस्ट आते हैं, तो फिर देखते हैं कि क्या कहते हैं। बालू, अभी आपको पेन हो रहा है, वोमिट उठी तो नहीं आ रही, अभी पेन नहीं हो रहा ना मेरे बेटे को, अभी ठीक हो जाएगा। खांसी आ रही मेरे बेटे को, अभी पेन तो नहीं हो रहा ना मेरे बेटे को, खांसी क्यों आ रही है, अभी ठीक हो जाएगा। ओके, बस जी हम लोग अभी फ्री हुए हैं और सुबह का टाइम हो गया, तकरीबन 2:30 का टाइम होने वाला है। और बस अभी उन लोगों ने हमें फ्री किया है, तो रिपोर्ट्स जो है ना शुक्र है कि ठीक आई हैं। लेकिन फिर भी डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर 2-3 दफ़ा अगर इसको हुआ तो वापस ले आइएगा। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि इसको वोमिट शुक्र है वोमिट भी रुक गई है इसकी। तो लेकिन फिर भी डॉक्टर कह रहे हैं कि हो सकता है, हम पक्का नहीं बता सकते कि इसको यही प्रॉब्लम है या नहीं है। तो बस अभी हम लोग जो है ना जा रहे हैं घर, अल्लाह पाक इसको सेहत तंदुरुस्ती दे और दोबारा ऐसा कुछ ना हो। तो लेती हूँ आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।